खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर आबकारी सिपाही का वर्दी में तालाब में शव पड़ा मिला। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आबकारी सिपाही का वर्दी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जब इसकी जानकारी हुई तो मौके पर सीओ सिटी आबकारी अधिकारी सहित कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जनपद बलिया का रहने वाला बताया जा रहा अवध बिहारी सिपाही, जिसका शव देवकली रोड पर स्थित तालाब में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पता चला कि सिपाही अक्सर शराब के नशे में रहता था। आबकारी विभाग ने बताया कि पहले से बीमार था सिपाही। सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर लोगों ने सूचना दी कि एक शव तालाब में पड़ा हुआ है जो वर्दी में है। पुलिस के अधिकारियों के पहुंचने पर पता चला कि आबकारी सिपाही का शव है जो वर्दी में था। शव की पहचान अवध बिहारी के रूप में हुई, जो आबकारी विभाग में तैनात था। यहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अग्रिम कार्यवाही तथा जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। ये आबकारी विभाग में एक अवध बिहारी, जिनकी उम्र करीब 59 वर्ष है, आज सूचना मिली कि उनके जो है शव इस जो पीछे बैकग्राउंड में है उस तालाब में शव उनका मिला है। उस सूचना पर हम लोग मौके पर आए हैं और आप आबकारी विभाग इंस्पेक्टर संबंधित विभाग से हैं। आपके द्वारा बताया गया है कि वो अक्सर जो है वो नशे की हालत में वो रहते थे और यहाँ की परिस्थितियाँ भी देख लगे ऐसी लग रही हैं कि वो चक्रोड और दोनों तरफ तालाब हैं, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि उनकी डूब के मृत्यु हो गई है। पोस्टिंग यहीं थी क्या? इनकी पोस्टिंग मितौली क्षेत्र नंबर 6 में थी और यहाँ पर ये निवास करते थे, उस पर्पज़ से यहाँ शहर में आया जाया करते थे। ये जानकारी हुई है करीब 59 वर्ष है, एक वर्ष इनका रिटायरमेंट का बचा हुआ है। जानकारी कैसे सुबह हुई आपको? हाँ, आज पब्लिक के लोगों ने जब यहाँ तालाब में देखा तभी जो है उनको सूचना हुई कि कोई एक शव जो है यहाँ पे उसमें उतरा रहा है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और डेड बॉडी को बाहर निकाल के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर जो है वर्दी में भी थे क्या? हाँ, वर्दी में, उनकी वर्दी में है। परिवार? परिवार नहीं, अकेले यहाँ रहते हैं, परिवार बलिया में रहता है। उनको सूचना कर दी गई है, वो आ रहे हैं।